श्रीमंत माधवराव सिंधिया व्यापार मेला ग्वालियर के आयोजन की तिथि 15 जनवरी की घोषित होने से कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कैंट एवं मेला व्यवसायी उत्साहित हैं। उन्होंने अगला लक्ष्य आरटीओ टैक्स में छूट का बनाया है। कैंट एवं मेला व्यवसायी की संयुक्त प्रेस वार्ता में कैंट मध्य प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जैन, मेला व्यवसायी संघ के महामंत्री महेश मुदगल ने कहा कि सामूहिक प्रयास सफलता प्रदान करते हैं। मेले में 6500 दुकानदारों की भावनाओं को मध्य प्रदेश शासन ने स्वीकृति दी है। इसके लिए हम उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा जी के प्रति कृतन व्यक्त करते हैं। उन्होंने आश्वस्त किया था कि मेला अवश्य लगेगा और अब इसकी तिथि भी निर्धारित हो गई है। बार मेला आयोजन 15 जनवरी से प्रारंभ होगा। मध्य प्रदेश के एमएसएमई मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश सखलेचा जी ने ग्वालियर व्यापार मेला व्यवसायी संघ और कैट के संयुक्त प्रतिनिधि मंडल को यह आश्वस्त किया है और व्यापारी संघ ने यह निर्णय लिया है कि मेले के आयोजन को कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत हम पालन कराएं, सैनिटाइज कराएं, आगंतुक हमारे सैलानियों को हम लोग उन्हें मास्क का वितरण करें और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, व्यापारी वर्ग, सभी व्यावसायिक संगठन मिलकर एक एग्जाम्पल सेट कर लें कि ग्वालियर में एक भी सैलानी को असुविधा ना हो, किसी व्यापारी को असुविधा ना हो। बहुत सारे प्रस्ताव हमारे सामने हैं। अभी जैसे ही माननीय मंत्री महोदय आएंगे ग्वालियर, उनकी मीटिंगें होंगी, जिला प्रशासन की मीटिंग होंगी, तो सारे प्रोटोकॉल बनेंगे, एक SOP बनेगी, स्टैंडर्ड ऑफ जो ऑपरेशन पॉलिसी होती है उसको बनाएंगे और वो सब समाज के समक्ष रखकर हम चाहते हैं कि आर्थिक गतिविधियां चालू हों, हम सब सुरक्षित रहें, इन सब पर हमारा काम आगे बढ़ेगा। हमारे माननीय मंत्री जी के समक्ष ये बात रखी थी, तो अभी तो मेले लगने की तिथि घोषित हो गई है। अगला आरटीओ टैक्स को लेकर ग्वालियर व्यापार जो मेला संघ है वो और कैट मिलकर 24 तारीख को माननीय विवेक नारायण सेजवलकर जी सांसद ग्वालियर से मिलेंगे। उसके बाद 26 तारीख की संभावना है श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब के ग्वालियर आने की, हम उनसे मिलेंगे। माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी अगर ग्वालियर आएंगे तो मिलेंगे, तो दिल्ली जाके मिलेंगे। और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से हमने 17 तारीख को मिलकर निवेदन किया है। हम सभी से निवेदन करके आरटीओ टैक्स की छूट मांगेंगे। मुझे उम्मीद है कि जब मेले की तिथि घोषित हो गई है तो आदरणीय सभी लोग मिलकर आरटीओ टैक्स रिबेट दिलाएंगे, जिससे मेले का आकर्षण और कारोबार दोनों बढ़े। अब की बार में मेले को लेकर के दो महीने की मेले की अवधि, जो माननीय मंत्री जी ने बैठक में कहा था 2 महीने की अवधि को मेला लगेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बारे में जिला प्रशासन बैठक करेगा, पुलिस प्रशासन बैठक करेगा, किस लेवल के होंगे क्या होंगे जो जिला प्रशासन तय करेगा। कैनन न्यूज के लिए ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट।